इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में मोबाइल की दुकान पर हाथ साफ कर लाखों रुपए की मोबाइल बोरी में भरकर ले जाते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। पूरे मामले में पुलिस ने चोरी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा के मुताबिक निरंजनपुर देवास नाके पर स्थित पूजा टेलीकॉम की दुकान पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दुकान संचालक विजय भदौरिया द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि चोर द्वारा दुकान के शटर को तोड़कर दुकान में प्रवेश कर दुकान में रखे हुए विभिन्न कंपनियों के 80 मोबाइल चुरा कर फरार हो गए। दुकान संचालक बीती रात को दुकान बंद करने के बाद अपने घर पहुंच गए थे, लेकिन जब सुबह वह पहुंचे तो उन्हें शटर टूटा हुआ पाया और पूरे मामले में सीसीटीवी कैमरे में चोर चोरी करते हुए कैद हुए, जिसमें वह एक बोरी में अलमारी में जमे वो मोबाइल बोरी में रखते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस अब चोरों की तलाश में जुटी हुई है। लसुड़िया थाना क्षेत्र में थाना के पास में एक मोबाइल की दुकान में चोरी की घटना हुई है, जिसमें सूचना मिलने पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। हमने वहां पर फोरेंसिक टीम को भिजवाया था, वहां से जितने भी फोरेंसिक एविडेंस है उनको लिफ्ट किया गया है और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी, उसे सारा चोरी किया हुआ मशरूक का बरामद किया जाएगा। जी, वहां के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को देखा गया है तो उसमें फुटेज सामने आए हैं, 2-3 चोर नजर आ रहे हैं जिनको तलाश की जाएगी, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।